देखो, एसी आपने चलाया, लोड नहीं पे। देखो, तो लास्ट लेक्चर च ना अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दी गल कर रहे थे, है ना। ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट है, ये क्यों आया सीगा, उदे बारे आपां डिस्कशन कीती सी लास्ट लेक्चर च भी। क्योंकि जिहड़ा प्योर सेमीकंडक्टर है ना, उहदी जिहड़ी कंडक्टिविटी है वो टेंपरेचर ते डिपेंड करती। ठीक है, नो डाउट एदी भी करेगी, बट जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, उहदी रूम टेंपरेचर ते कंडक्टिविटी वेरी लो हुंदी है। तो रूम टेंपरेचर ते सेमीकंडक्टर दी कंडक्टिविटी नू इंक्रीज करन दे लई असी की करदे हां, उहदे विच हां इंप्योरिटीज ऐड करदे हां। और क्योंकि ये जो इंप्योरिटीज है दो तरह दीयां सी, एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, दूजी सी पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। तो उहदे बिहाफ ते जदों इंप्योरिटीज ऐड हो गई हैं, तो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, है ना, डोप्ड सेमीकंडक्टर हो गया। और वो दो तरह का वा, तो उन्होंने अज असी एक्सप्लेन करना स्टेप बाय स्टेप। तो हुन जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो ये दो तरह का जो है, ये बारे आप नाम लिखिया एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हुन दोनों नु आज डिस्कस करांगे अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर बारे। अपा पहला गल करिए देखो बेटा, हुन उस दिन भी थानू दस्या सीगा कि जो इंप्यूरिटीज है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, उन्हां दे नाम थानू पता होने चाहिए है, फॉस्फरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मिथ, है ना। तो ये पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज, लास्ट लेक्चर थी यार परसों। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज वाला है ना। तो देखो हुण आपां गल नूं समझिए कि ये इंप्यूरिटीज किस तरह कंडक्टिविटी नूं इंक्रीज करन च हेल्प कर रही हैं। उहदे लई असीं हाले ड्रॉ नहीं करना कुछ भी। देखो मैं प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन कंसीडर करन लगा, तुसीं नहीं ड्रॉ करना कुछ भी हाले। प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, नो डाउट सिलिकॉन एटम्स को मिलके बने हैं। और एदे च भी हुण तक सानू पता लग गया कि हर सिलिकॉन एटम दे वैलेंस शेल च 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये मैं गल कर रहा हूं हाले प्योर सेमीकंडक्टर।
हूँ बेटा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। और ए सिचुएशन जीरो केल्विन टेम्परेचर भी, तो सारे ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग से हिस्सा ले रहे हैं, कोई भी फ्री नहीं है, तो कंडक्टिविटी जीरो है, तो ये इंसुलेटर है। और इसे ही गल नू आपां एनर्जी बैंड डाय, ये बॉन्ड्स की टर्म्स गल दस रहे हैं, इसे गल नू आपां एनर्जी बैंड डायग्राम की टर्म्स भी समझा सी कि जेड़ा प्योर सेमीकंडक्टर है एट जीरो केल्विन, तो ओदा वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स नाल कंप्लीटली फिल्ड है, ते कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, और फॉरबिडन बैंड जो है ना पुत, तो आ जड़ा एनर्जी गैप है, जनरली तो आप कहने हैं कि जेडे सेमीकंडक्टर्स है उन्हां लिए गैप 1 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होंगे, बट सिलिकॉन के लिए असी ये वैल्यू 1.515 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नोट कर सकते हैं। और इवन ये गल भी याद रख लेनी कि ये जो एनर्जी गैप है ना, ये टेम्परेचर आप भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो एनीवे हुण आपां आने हैं कि जदों इस सिलिकॉन का टेम्परेचर जीरो कैलविन तो अबव होएगा से 300 कैलविन, तो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मल एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नु तोड़ के बाहर आ जाएंगे, मतलब वो फ्री हो गए। तो उन्होंने आप इदा शो किया कि अगर मान लो आ इलेक्ट्रॉन है ये जो बाहर आया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन गिनिया जाएगा और आ होल बन गया, पर बॉन्ड चो इलेक्ट्रॉन नु बाहर आने लिए जिहड़ी एनर्जी चाहिए है वो मिनिमम एनर्जी गैप दे बराबर चाहिए है। और इतने भी आप इस गल नू इदा डिनोट कर सकते हैं या करते हैं। अच्छा हुण एन टाइप सेमीकंडक्टर की गल करनी शुरू करन लगे हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर कदों बनेगा, जदों प्योर सेमीकंडक्टर दे विच तुसीं पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर देंगे, तो मान लो आपा फॉस्फोरस ऐड करता या एंटीमनी ऐड करती या आर्सेनिक ऐड करता, एक नू कहना सी तो सपोज आर्सेनिक नू कह देंगे आप, तो चलो आर्सेनिक हो गया ऐड। तो आर्सेनिक जदों ऐड होया तो उन्हें की किया, प्योर सिलिकॉन एटम नू रिप्लेस कर लिया, हो गई रिप्लेसमेंट। पर हुण याद रखो जिदा सिलिकॉन दे वैलेंस शैल च चार इलेक्ट्रॉन सी तो चार बॉन्ड बना रहा सी, इहदे कोल तां पंज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड चार ही बनने हैं, इहदा मतलब इहदा जिहड़ा पंजवां इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक दा पेंटावेलेंट दा, वो बॉन्डिंग च हिस्सा नहीं लै पाया, लै ही नहीं सकता, बॉन्ड ही चार अवेलेबल। तो हुण होया की पुत्र, ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम का जिहड़ा पंजवां इलेक्ट्रॉन है जिहड़ा बॉन्डिंग च हिस्सा नहीं लै पाया, वो नो डाउट एटम दे नाल जुड़िया होया वा, वो फ्री नहीं है नॉर्मली, है ना। पर आ जिहड़े बाकी चार आर्सेनिक दे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जिहड़े बॉन्ड च हिस्सा लै लग पए है, उहनां दे मुकाबले आ जिहड़ा इलेक्ट्रॉन है पंजवां इलेक्ट्रॉन जिहड़ा, हाँ इनू इहदी एनर्जी ज्यादा वा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाकी चारों के मुकाबले ज्यादा वा। और एक गल दिमाग च रखो कि जिन्ने भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग च हिस्सा लै रहे हैं उन्हां दी एनर्जी नू रिप्रेजेंट करन लई वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड दे इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है
वेरी गुड। आहा, ये खाली स्पेस है। नहीं, आ खाली जगह डायग्राम ना नहीं रिलेट हो रही, वो तो वो थ्रेटिकल कंसेप्ट है, एक रियल कंसेप्ट है। अभी बॉन्ड्स बने हुए हैं स्पेस के अंदर, है ना। आ तो जड़ा वा ये एनर्जी की टर्म च है, तो एदा इस स्पेस दा इस स्पेस ना कोई लेना देना नहीं, कोई कंसर्न नहीं, है ना। हुण जे तुसीं मान लो कि जगह ते डिजाइन बनाने हैं तो स्पेस चाहिए है ना, ता ही डिजाइन बनेगा। तो ये ता एक्चुअल केस है। ये एनर्जी की टर्म च उसनू गल नू समझाण दा तरीका, कि जदों आपां कहिंदे आ कि बॉन्ड चो इलैक्ट्रॉन नू बाहर कढ़ना है ना, तो ये इलैक्ट्रॉन बाहर कढ़न दा मतलब है भी ये इलैक्ट्रॉन हुण किसे पर्टिकुलर एटम नाल रिलेटेड नहीं है, पूरे सबस्टांस दे नाल रिलेटेड है। तो हुण आ दस रहा कि जदों इलैक्ट्रॉन बॉन्ड चो बाहर आया तां उहनू किन्नी एनर्जी चाहिए है, वो इस गैप ने रिप्रेजेंट करना। मतलब ये एक्चुअली नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ये डायग्राम असी एनर्जी नू रिलेट करने लिए बना रहे हैं। तो ये ना समझो कि ये अंदर इदा के बॉन्ड्स बने हैं या बैंड्स बने हैं, इदा नहीं कुछ भी है। तो आ एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, आ सबस्टांस दी एनर्जी की टर्म च गलबात समझाई गई। हुण मैं जिहड़ी गल दस रहा सी कि जिन्हें भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग च हिस्सा लै रहे हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, वो इस डायग्राम दे विच केड़े इलेक्ट्रॉन्स होंगे है, वैलेंस बैंड वाले। इस डायग्राम च जेड़े भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुके हैं वो इस डायग्राम दे विच कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन। हाँ, हम तू क्या ना स्पेस वाली, आ स्पेस दा। हाँ कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कई वाला वो सादा तू गल सही कही हो, मैनू नहीं समझ लगी। दोनों तरह ना होंगे ना। हुण आ जिहड़ी गल आ रही है इहनू थोड़ा जिहा समझना। आ जिहड़ा पंजवां इलैक्ट्रॉन है, ये हुण एक तीसरी वरायटी आ गई इलैक्ट्रॉन दी, क्योंकि एक तो पहला दो तरह के इलैक्ट्रॉन सी, बॉन्ड के अंदर ते बॉन्ड चो बाहर फ्री। पर आ जिहड़ी वरायटी आ गई ना तीसरी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज के पंजवें इलैक्ट्रॉन करके, ये बॉन्ड के अंदर भी नहीं है, फ्री भी नहीं है, क्योंकि ये एटम नाल जुड़िया होया वा, है ना, जुड़िया होया अट्रैक्ट होया कह लो। तो इस इलेक्ट्रॉन दी एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन दी एनर्जी ना तो वैलेंस बैंड चाहेगी ना कंडक्शन बैंड चाहेगी। तो यदि एनर्जी जदों कैलकुलेट की गई, साढ़े को तो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आफ्टर स्टडी जो सानू पता लगा दसिया गया वो ये है कि इस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन दी एनर्जी जिहड़ी है वो कंडक्शन बैंड तो स्लाइटली लेसर है, थोड़ी घट है। पर हुण जिहड़ा इहदा सिग्निफिकेंस समझो, आ जिहड़ा पंजवां इलैक्ट्रॉन है इहदी एनर्जी कंडक्शन बैंड तो थोड़ी घट होण दा मतलब की है, भी इस इलैक्ट्रॉन नूं कंडक्शन बैंड च जाण लई, मतलब पूरी तरह नाल फ्री होण दे लई, मतलब अपने पेरेंट एटम नूं छड्डण दे लई थोड़ी जी इन्नी क एनर्जी चाहिए है। जबकि आ वाले जिहड़े बॉन्डिंग च हिस्सा लै रहे इलैक्ट्रॉन्स है, इन्हां नूं फ्री होण दे लई इन्नी एनर्जी चाहिए है। इहदा मतलब आ वाला इलैक्ट्रॉन आसानी दे नाल फ्री हो जाता है ना। और जदों ये फ्री हो जाता वा, तां उस वक्त ये इलैक्ट्रॉन, आ वाला इलैक्ट्रॉन जदों फ्री हो गया तां ये तां आ गया इत्थे, फ्री दा मतलब कंडक्शन बैंड। पर हुण जिद्दां कि इस तो पहला होया सी भी जेड़ा इलैक्ट्रॉन बॉन्ड नूं तोड़ के बाहर आया सी, फ्री होया सी, तां उहदी जगह ते बॉन्ड होल भी बनया सी। पर इथे इस इलेक्ट्रॉन दे फ्री होने दे नाल होल नहीं बनेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड चो नहीं बाहर आया। पर ये इलेक्ट्रॉन आया कितों है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम तो आया जेड़ा कि न्यूट्रल सी पहला। एटम चो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उहदा साथ छड गया, तो वो एटम हुण की हो गया, पॉजिटिव आयन बन गया। समझ गए गल नूं, तो इहनूं आपां इथे पॉजिटिव आयन शो कर। हुण इदां दे पुत्र
बहुत सारे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स होंगे, तो हम आप सारे तो नहीं शो कर सकते डायग्राम च, तो इदा के चार पांच शो कर देने हैं, तीन चार पांच। आया इलेक्ट्रॉन फ्री हो, इलेक्ट्रॉन जदों आ वाला इलेक्ट्रॉन जदों इत्थे सीगा इस एटम नाल जुड़िया सी तां उहदी एनर्जी आ सी, कंडक्शन तो थोड़ी घट सी, ते जदों ये फ्री हो गया तां वो इत्थे पहुंच गया, पर अपनी जगह जिहड़ी आ उत्थे की आपां शो करता भी पॉजिटिव आयन दी फॉर्म है ना, बाद चो बनिया बुट पहला नहीं। हुण आ जो आपां आ सर्कल जे शो कीते आ फॉरबिडन बैंड, ये सर्कल ओरिजिनल फॉरबिडन बैंड च नहीं सी, एक्चुअली ये सर्कल नहीं है, ये की है एनर्जी स्टेट्स है। केड़ी एनर्जी स्टेट्स है? इलेक्ट्रॉन्स दियां। केड़े इलेक्ट्रॉन्स दियां? जिन्हां दा संबंध प्योर सेमीकंडक्टर नाल नहीं सी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम दे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन दे नाल है, जिहड़ा बॉन्डिंग च हिस्सा नहीं लै पाया, तो उहनां नूं रिप्रेजेंट करन वालियां एनर्जी स्टेट्स है। और ये एनर्जी स्टेट हुण खाली हो चुकी है क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है ना, आप वो शो कर रहे। और ये जी एनर्जी स्टेट्स है इन्हों असी डोनर एनर्जी लेवल्स कहने हैं, डोनर क्योंकि ये ना एनर्जी स्टेट्स ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता वा, फ्री बनाता हूँ। और ये जी डोनर एनर्जी लेवल्स है इन्हों की एनर्जी में असी ईडी नाल लिख देंगे, स्मॉल डी कर लो। और क्योंकि पुत्र ये एनर्जी स्टेट्स पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम नाल जुड़िया वा, इस करके पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज नू डोनर इंप्योरिटीज भी किया जाता है। समझ आई गल? फिर अगली गल इंटरेस्टिंग देखो कि जिथे प्योर सेमीकंडक्टर च कंडक्शन बैंड के विच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ते वैलेंस बैंड के होल्स बराबर सी, इत्थे नहीं हुण हैगे। हुण इत्थे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स दी कंसंट्रेशन कंडक्शन बैंड च ज्यादा वा वैलेंस बैंड च होल्स दे मुकाबले, है ना। तो इहदा मतलब जिहड़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, एन टाइप क्यों कहा गया, तो इहनूं इदां ना समझ लईओ कि ये जो एन टाइप सेमी कंडक्टर है ये नेट चार्ज नेगेटिव है, ना ना ना, नेट चार्ज हर तरह के सेमी कंडक्टर से जीरो ही है। फिर इन एन क्यों किया? क्योंकि ये अंदर दो तरह के जो मोबाइल चार्जेस है इलेक्ट्रॉन्स के होल्स, उन्होंने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वध गिनती च है, मेजोरिटी च है, समझ गए, सरप्लस कह लो। तो हुन ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा गिनती च है होल्स दे मुकाबले, तो होल्स नू असी कहने हैं माइनॉरिटी चार्जेस, ते इलेक्ट्रॉन्स नू कहने हैं मेजोरिटी चार्जेस। समझ आई गल? तो आ डायग्राम है, और आज भी मैं राइट साइड के डायग्राम बनाई है, ये अगर एग्जाम च आ जाए ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर तो उदों बनानी है, समझे। और ये डायग्राम दे विच कौन की दस रहा वो सारी एक्सप्लेनेशन थानू समझाई है, हुण लिखा देनी है। बोल है? हाँ, बैलेंस मतलब हम मेरी गाल सुनो पुत्र, देखो हम गाल समझो। मान लो थोड़ी जेब च 500 रुपए का नोट है ना, जे वो नोट सड़क पे डिग पिया फिर तो थोड़े को 500 घट गया,
लॉस हो गया, थोड़े को कट गया, थोड़ा लॉस है और थोड़े घर का भी लॉस है, घरों ही 500 चला गया, पर जो 500 का नोट थोड़ी जेब चो तो डिग गया, पर डिग गया थोड़े बेड पे ही है, बेडरूम च ही है, तेरे को तो लॉस हो गया, पर रहा कितने वो घर च ही रहा ना, तो नेट पैसे किन्ने लॉस हुए। हम ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस होया एटम चो आर्सेनिक चो, इलेक्ट्रॉन गया कितने, ये बाहर निकल गया कि सबस्टांस के अंदर ही रहा, फिर सबस्टांस के नेट चार्ज, समझ आई गल। ओ देखो उधर वो डायग्राम नजर आई, नजर नहीं आई हले, कोई गल नहीं पुत, आ ये डायग्राम है आ नजर आ रही राइट साइड से बनी, ये किन्ने होल्स नजर आ रहे थानू, वन वन होल पे चार्ज किन्ना वा प्लस ही, ते पॉजिटिव चार्ज किन्ना नजर आ रहा नाल होर, ते टोटल पॉजिटिव किन्ना हो गया, ते इलेक्ट्रॉन्स किन्ने हैं, समझ गए। ये कंसेप्ट ना थोड़ा अलग हटके है, इस करके आप स्लो चल रहे हैं, स्लो की है वैसे भी एग्जाम करके थोड़ा, पर ट्यूसडे तक खत्म हो जाना यूनिट थोड़ा, किस दिन अगले हफ्ते, फिर एक हफ्ता लगा लेंगे प्लस टू, तो कहते सी इन्हों एग्जाम फिर। हाँ हाँ है, नहीं नहीं क्वेश्चन सुन, टॉपिक्स हो गए और विच विच होने के नाल असाइनमेंट दे, तो दस दांगा ना मैं भी एडवांस जो भी, आ 2 दिन पहला आ टॉपिक्स पढ़ के आने, तुसी वो क्वेश्चन दे नाल रिलेट करके सारी गल्लां दसांगा ना। तेरी गल FB और ये लेवल बढ़ाया, आ जेडे ED लिखा है जेडे अगे FB। हाँ, वन पॉइंट वन फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सिलिकॉन लिया ना,
हाँ हूँ लिखान लगा। लिख लो। अगर तो आ जाए एक्सप्लेन करो, 3 मार्क्स लिए, फिर तो थ्योरी भी ना लिख दई हो। तो जे कला उन्हें किया ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप, फिर कल वही करनी 1 मार्क लिए, है ना, फिर नहीं थ्योरी लिखने लग पाए। अच्छा लिख लो, व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज लाइक हाँ व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज लाइक फॉस्फोरस एंटीमनी आर्सेनिक बिस्मिथ आर एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन। फिर अगला पैरा बना लो, ईच पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम कंटेन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइव वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कॉमा 4 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग पार्ट इन कोवलेंट बॉन्डिंग वाइल 5th इलेक्ट्रॉन डज नॉट। टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इट्स एनर्जी लाइज जस्ट बिलो बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। जस्ट बिलो बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड हूँ लिख लो। दिस इलेक्ट्रॉन आप 5th इलेक्ट्रॉन की गल कर रहे हैं ना, दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री आफ्टर गेनिंग या एब्जॉर्बिंग आफ्टर एब्जॉर्बिंग स्मॉल वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट नो होल इज फॉर्म्ड, पर जब ये फ्री होया था होल नहीं कोई बनया है ना, रादर इमोबाइल पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड। अगले पैराच लिख लो, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स। ठीक है, बहुत है, इन्ना लिख लेना। हुण इहनू ना दो पॉइंट्स होर अलग नोट करके लिख लियो इहदे नाल। वो की है पुत्तर? एज पहला पॉइंट, एज इहदे नाल अगला सेपरेट पॉइंट कर लेना कंसेप्चुअल प्रॉब्लम लई, थ्योरी लिखने च ज्यादा नहीं लिखने। एज कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोर देन दैट ऑफ होल्स सो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्जेस while होल्स आर माइनॉरिटी चार्जेस, होल्स आर माइनॉरिटी चार्जेस इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। अगले पॉइंट फिर बना लो, नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज जीरो। और तीसरा पॉइंट फिर बना लो, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आर आल्सो कॉल्ड डोनर इंप्योरिटीज बिकॉज बिकॉज दीज इंप्योरिटीज डोनेट देयर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन टू द सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स फिफ्थ इलेक्ट्रॉन टू किनू फिफ्थ इलेक्ट्रॉन टू दस कंडक्ट सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टिविटी नु बढ़ाते हैं ना इन्हां दी प्रेजेंस। ठीक है, तो ये आ गया एन टाइप ले। हुण लिख लो पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर। हुण जेड़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर है पुत्र, ओदे च लिखो